शहर के मेडिटेना अस्पताल के कोरोना मरीज का कोरोना नियमों को ताक पर रखकर इलाज चल रहा है, जिसकी जानकारी मनपा प्रशासन को दी गई है, लेकिन अब तक मेडिटेना अस्पताल पर क्या कार्रवाई की गई है? ये बात जब हमारे संवाददाता ने मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी से पूछना चाहा, तो उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए। अखबार में और चैनल में खबर आने के बाद भी यदि मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये कहना एक अधिकारी के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह है। कहीं मनपा के अधिकारी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? ऐसी संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। एक तरफ मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे अच्छा कामकाज कर रहे हैं, तो वही उनके अधिकारी इस मामले को तवज्जो देते दिखाई नहीं देते। यदि शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता है तो इसके लिए मनपा के अधिकारी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले रामदास पेटीत मेडिटेना अस्पताल पर आखिरकार कार्रवाई होगी या नहीं, इस और शहर के करोड़ों लोगों की निगाहें लगी हुई है। मनपा के आयुक्त तुकाराम मुंडे, इन्होंने मेडिटेना अस्पताल पर कार्रवाई तुरंत करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। क्या अधिकारियों को साफ सूंघ लिया है या फिर मेडिटेना के डॉक्टर उसे हाथ मिला लिया है? ये कहना भले ही कुछ अटपटा सा लग रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अन्य अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई मनपा आयुक्त करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। शहर के मेडिटेना इस अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी मनपा के आयुक्त तुकाराम मुंडे इन्हें दी गई थी, जिसके बाद मुंडे ने भी अधिकारियों को इस विषय को लेकर बातचीत की थी। मगर अफसोस कि आज दूसरा दिन है और मेडिटेना के अब तक कोई भी अपडेट्स नहीं आए हैं, क्योंकि मेडिटेना अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित मरीज का 503 पांचवें माले पे इलाज जारी है। अगर इसके ऊपर रोकथाम नहीं की गई तो यकीनन मेडिटेना से जो पेशेंट है, उनके पेशेंट के जो रिश्तेदार है और जो कर्मचारी है, उनके माध्यम से ये संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इस विषय को लेकर फिर से एक बार इन विशेषज्ञ की टीम मनपा के म्यूनिसिपल एडिशनल कमिश्नर राम जोशी इनसे मिले, तो राम जोशी ने हाथ खड़े करते हुए ये बताया कि इस बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं, जबकि उन्होंने जानकारी लेकर इस बारे में कामकाज करना था। अगर इसी तरह का मनपा प्रशासन के कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर का काम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस कोरोना वायरस की रोकथाम और जनजागृति करने के लिए वे जो कामकाज कर रहे हैं वे पूरी तरह से विफल हो जाएंगे और कोरोना का आंकड़ा मनपा प्रशासन के माध्यम से बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस और एडिशनल कमिश्नर हो या म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, इन्होंने सकारात्मक सोच के साथ में इस विषय के और गंभीरता को लेना होगा, यही समय की मांग है। नागपुर के म्यूनिसिपल कमिश्नर कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।